डांस न्यूज। अक्टूबर को पुलिस स्मृति परेड का आयोजन पुलिस के उन बहादुर साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने कर्तव्य परायण अपने प्राणों की आहुति दी है। सन 1959 में जो चीनी सेना द्वारा किए गए क्रूर व घातक आक्रमण के दौरान शहीद हो गए थे, तभी से प्रतिवर्ष शहीद होने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 21 अक्टूबर इस वर्ष देश के कुल 292 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हम सभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके बलिदान को सादर नमन करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस वर्ष कर्तव्य के वेदी पर शहीद हुए अधिकारी कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, आप जानिए सर शहीदों को श्रीमान एसपी साहब को दीपक थोड़ा सा दीपक थोड़े पीछे हो जी सर, पीछे करो थोड़ा हाथ। ओके रोल सर, ये बताएं आज जो कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया है किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है? प्रतिवर्ष की भांति 21 अक्टूबर को हम लोगों ने आज पुलिस कमेमोरेशन डे यानी कि पुलिस स्मृति दिवस मनाया, जिसमें साल भर में और से पूर्व जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करते वक्त जो शहीद हो जाते हैं उनके बलिदान और उनकी शहादत को याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। उसी तात्पर्य में आज ये पुलिस कमेमोरेशन डे परेड आयोजित की गई थी। इसी दौरान पुलिस लाइन टीकमगढ़ में हमने एक शहीद स्मारक का भी निर्माण करवाया, जिस पर आज ये पहली बार पुलिस कमेमोरेशन डे परेड आयोजित की गई थी। इसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी आए थे और सभी ने जो पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा बलिदान दिया गया उनको पुष्पांजलि अर्पित। सर क्या इसमें शहीद के परिवारों को भी सम्मानित किया गया क्या? जो इस वर्ष तो टीकमगढ़ में भगवान के दया से कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। जो पूर्व में शहीद हुए हैं हमारे यहाँ उनके परिवार को सूचित किया गया था, जिसमें से एक परिवार आप ही गए थे, उनको भी शॉल श्रीफल भेंट करके उनके परिवार के द्वारा जो बलिदान किया गया उसको उसके सम्मानित किया गया। थैंक यू सर।